देखा वातावरण कितना बदल रहा है। बड़ा अजीब सा है, ऐसा आंधी तूफान आज तक नहीं देखा। इसको जरा देखिए मिस्टर प्रेसिडेंट। मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप तैयार हैं तो डिस्कशन स्टार्ट करें। इस हालात को देखकर लगता है कि हमारे निकलने का टाइम बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या कहते हो, समय बर्बाद ना करते हुए अपने काम पे लग जाते हैं। चलो, जो डिस्कस करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। जैसा आप कहें मिस्टर प्रेसिडेंट। मुझे अपने कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए। उस वक्त मुझे फ्लाइट चढ़ने में बहुत डर लगता था। मिस ग्रीन। यस सर। प्रॉब्लम क्या है जरा पायलट से पता कीजिए। मैं जाके पूछ के आती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ा सा सर में दर्द है। मेरे पास मेडिसिन है, आप लेंगे सर? हाँ ले आओ, खा लेता हूँ। ये सब क्या हो रहा है, जरा पायलट को बोलिए कि ध्यान से हैंडल करे। अब ये डिस्कशन वगैरह बंद करके हम अगर सीट बेल्ट बांध ले तो अच्छा रहेगा। वो भी ठीक कर रहे हो, हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास से लग रहा है। तुरंत हमें मिस्टर प्रेसिडेंट को यहाँ से बचाना होगा। हाँ ठीक कर रहे हैं, जरूर। संभल के आइए मिस्टर प्रेसिडेंट, संभल के। मिस्टर प्रेसिडेंट को अंदर बिठाइए प्लीज, संभल के। मिस्टर प्रेसिडेंट, वातावरण में कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये पॉट संभाल लेगा आपको। इसमें आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। समुद्र के 20,000 गहराई में भी जाए तब भी कुछ नहीं होगा इससे। ये पॉट बहुत सुरक्षित है, आपको 7 दिनों तक कुछ भी नहीं होगा। इसमें ट्रांसमीटर फिक्स है, आप कहीं पे भी होंगे हम आपका पता लगा लेंगे। सर एक एक सेकंड की खबर हमको मिलती रहेगी। पकड़िए, ये है 40 कैलिबर पिस्टल, इसके अंदर 100 बुलेट्स हैं। गुड लक सर। मैंने व्हाइट हाउस को मैसेज भेज दिया है सर, वो लोग किसी भी समय आपको बचा लेंगे सर। गुड लक सर। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग भी बच जाएं। पीछे जाइए, डोर क्लोजर है, पीछे जाइए। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। संभल के सर, आप संभल के सर। छुट्टी मिली होती तो बीवी बच्चों के साथ ऐश करते हैं यार। घबराइए मत, काम पूरा करके जल्दी निकल जाएंगे। आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें भी बहुत खुशी हुई सर। इस वक्त परिस्थिति बहुत खराब है, तुम और तुम्हारी टीम मेरे साथ रहोगे। बिल्कुल सर, आप यही रुको, मैं बता करके आता हूँ काम क्या है। यस सर, वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं उसी का पता लगा रहे हैं सर। चीफ ऑलिवर आपको रिपोर्ट करने के लिए आए हैं मैडम। रिलैक्स मैन, चेयरमैन न्यूरी, चीफ ऑलिवर को आपके मुताबिक यहाँ बुलाया गया है। गुड मॉर्निंग चीफ ऑलिवर। गुड मॉर्निंग चेयरमैन। सुनो, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो ऐसा तुम्हें देख कर मुझे लग रहा है। तुम और तुम्हारी टीम को आराम की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन इस समय इमरजेंसी आई है इसलिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर।
आज सुबह ठीक 5:15 पर प्लेन में सफर कर रहे हमारे प्रेसिडेंट कहाँ गायब हो गए ये पता नहीं चला है। तुम और तुम्हारी टीम के मेंबर CTO विंसेंट के साथ मिलकर किसी भी तरह प्रेसिडेंट का पता लगाकर उन्हें वापस लेकर आना है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि तुम्हें ये ऑपरेशन कामयाब करना है। बिल्कुल करूंगा सर। हमारे प्रेसिडेंट को जिंदा वापस लेकर आना है। यस सर। आपके साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। सुनो चीफ ओलिवर, ये असाइनमेंट पूरा करने के लिए शायद चेयरमैन ने आपको बोला होगा, लेकिन इस ऑपरेशन का मुझे ही हेड बनाया गया है। तुम्हें रिस्क लेना बहुत पसंद है ये मुझे मालूम है, लेकिन ये रिस्क लेने से कितने लोग बलि हो जाते हैं ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो ओलिवर। मेरे ऑर्डर्स के बिना तुम कोई भी रिस्क नहीं लोगे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट से संबंधित है, इसलिए जैसा मैं कहूंगी उस हिसाब से चलना होगा। अगर तुम मेरे हिसाब से काम नहीं करोगे तो तुम्हें कोर्ट लेकर जाना पड़ेगा, समझ लो इस बात को। समझ गया एडमिरल। कैप्टन फिलिप्स, जरूरत के हिसाब से डॉक्टर्स और सब लोगों का इंतजाम करो। ठीक है एडमिरल। चीफ ओलिवर, आप और आपकी टीम पूरी तरह से तैयार रहिए। हम बिल्कुल तैयार है एडमिरल। अब आप जा सकते हैं। आपकी टीम भी ऑपरेशन के लिए तैयार है ना? हम बिल्कुल तैयार हैं। वेरी गुड। हे रिवास सर। क्या है वो? पता नहीं क्या है वो, अभी तक पुरानी बातें भूली नहीं लगता है। वो ही नहीं, मैं भी नहीं बुलाऊं। मुझे लगता था वो मुझे कभी नहीं बुलाएंगे। ऐसे क्यों सोचा तुमने? हमें तो प्रेसिडेंट को बचाना है। सब लोग औजार लेके तैयार हो जाइए। सब लोग औजार लेके तैयार रहिए। कमांडर रिपोर्ट। कमांडर सर, अपनी टीम को लेके आओ। जल्दी चलो। नजर आज तक देखा नहीं। संभल के आगे मत जाइए डॉक्टर। वो क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो रिप्टी या पैच पेटी है, लेकिन अब तक इस प्रकार के आकार में मैंने कभी देखा नहीं। जरा ऐसा बताइए जो मुझे समझ आए। इनको ट्यूब बॉम्ब्स कहते हैं। ये कहीं से भी आकर बायो इलेक्ट्रिक शक्ति को अपना कर उसे परमाणु शक्ति में बदल कर फिर अटैक करते हैं। इस तरह के रूप में मैं पहली बार देख रहा हूँ इनको। उनको देखते हुए लगता है कि वो हमारी ओर ही देख रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? इनका भोजन क्या होता है? मुझे पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परंतु बहुत अजीब से है। सब लोग अटैक के लिए तैयार हो जाइए। चीफ, उनको देखे जरा। देखा मैंने रिवास। अपनी टीम को रेडी रखो अटैक करने के लिए। लेट्स गो, लेट्स गो। हम बिल्कुल तैयार हैं। रुको। ये तो बहुत ही खतरनाक है। जल्दबाजी मत करो, धीरे से गन निकालो। हम संभाल पाएंगे ना? ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका नामो निशान मिटा के रख दूंगा। Oh,
गोलियां चलाओ। कॉलिंग बेस अंदर गोली मारो। अटैक करो किनारे पे अटैक करो। ऊपर जो है वो भी गोली चलाओ। जल्दी 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 चलो ऊपर। जल्दी चलाओ। बिना रोके गोली चलाते रहो। इतनी गोलियां चलाना कि वो दोबारा वापस ना आ सके। गोलियां चलाते रहो। इतनी गोलियां चलाई फिर भी उस पर असर नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करें? नशे का इंजेक्शन? नहीं। हमको तुरंत ऐसा सपोर्ट चाहिए। फाइटर जेट्स भेजिए इमीडिएटली। उस पर्दे लेके जाओ और ठीक कर दो जल्दी। शूट करते रहो। शूट कर रहे हैं पूरी तरह से। रिचर्ड, जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं तुम लगातार बराबर अटैक करते रहो। बिल्कुल करता रहूंगा सर। शूट करो। ओके, मैं करता हूँ। उसको छोड़ना मत और सारे शूटिंग कंटिन्यू करते रहो। जाके बसु को लेके आओ। तू तो गया काम से। चले। कैप्टन फिलिप्स, जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब कीजिए। गोला बारूद का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए और थोड़े एरोप्लेन भी मंगवाइए। गोला बारूद को जमा करके दूसरे अटैक के लिए तैयार रहिए। समझ गए डॉक्टर जिमर? वैसे जिसने हम पे अटैक किया है वो है क्या? उसका पूरा विवरण मुझे चाहिए। अटेंशन एवरीबॉडी, रिलैक्स हो जाइए। चीफ ओलिवर, अभी तुम्हारा काम बाकी है। सीपीओ विंसेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, जो लापता हो गए हैं उनका पॉड कहाँ है पता चल गया है। 7000 फीट गहराई में है। आपको वहाँ किसी भी हालत में सबमरीन में जाना पड़ेगा। मिस्टर प्रेसिडेंट का पॉड काफी स्ट्रांग और फुल सिक्योरिटी में है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे लगता है कि 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन उसमें जरूर होगा। 7000 फीट की गहराई तक जाने के लिए हम चाहे जैसे भी जाएं करीब 3 घंटे तो लगेंगे ही। वहां तक पहुंचने के बाद आपके पास जो कार्बन लिक्विड और वेंटिलेटर्स हैं उनको पहनना पड़ेगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम है जेंटलमैन। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मुझे अभी इसी वक्त बता दीजिए। हम करेंगे सर। एडमिरल हैंसन? हाँ बोलो प्लमर। जिस सबमरीन से ये ट्रैवल करेंगे GSRV-2 प्रोटोटाइप होना चाहिए। हाँ बताना भूल गई, वो लेफ्टिनेंट प्लमर है। नौसेना से संबंधित सारी जानकारी इनको। समुद्री विषयों में एक्सपर्ट हैं और तो और मेरीन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हैं। इस ऑपरेशन में ये आपको समय समय पर सलाह देती रहेंगी। उस प्रोमेथिया के बारे में जरा हमें डिटेल में बताएंगे? ये सब टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक लेटेस्ट नया सबमरीन है। ये बहुत यूजफुल होगा हमारे लिए। हमारे पास जितने भी सबमरीन है उन सबसे तेज है ये। इस परिस्थिति में हमें उसका उपयोग करना बेहतर है। इस सबमरीन में औजारों से संबंधित हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ये समझ लो।
सीपीओ विंसेंट, अगर उस सबमरीन को यहाँ मंगवाना है तो कितना समय लगेगा? एक घंटे तक लगेगा और उसको पूरी तरह करने में 30 मिनट और लगेंगे। ऑलराइट, तुरंत मंगवाइए। लेफ्टिनेंट प्लमर, उस सबमरीन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत यहाँ आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए। यस मैडम। चीफ ओलिवर, मैम, उसके यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें और तुम्हारी टीम को तुरंत यहाँ से जाना होगा। सहायता करने वाले जब तक आएंगे तब तक इंतजार करने का टाइम नहीं एडमिरल, वो दोबारा अटैक कर सकते हैं। वो भी एक पॉइंट है। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, जब तक तुम्हारा प्लान पूरी तरह से बन ना जाए ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। मुसीबत में मिस्टर प्रेसिडेंट फंसे हैं ये मत भूलो मिस्टर ओलिवर। आपने जैसा कहा हम 100% उसी को लागू करेंगे एडमिरल। बहुत खुश हुई, अब आप लोग जा सकते हैं। सीपीओ विंसेंट, डॉक्टर जिम्मा मेरे साथ आइए। जिसने मेरी शिप को अटैक किया है वो चीज क्या है ये मैं जानना चाहती हूँ। सब लोग तैयार रहें, हमें लक्ष्य पूरा करना है। समय निकलता जा रहा है। अभी 3 घंटे बचे हैं, इक्विपमेंट आने तक इंतजार करने से टाइम हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, उनके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते और कोई रास्ता भी नहीं। वो सबमरीन हमारे लिए यूजफुल होगा। अटेंशन एवरीबॉडी, एट ईज सोल्जर्स, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर जू बाकले हूँ, उस सबमरीन का मैं ही पायलट हूँ। सब लोग अपने औजार तैयार कर लें। ठीक है सर। सबने सुना ना, अपने अपने औजार लोड कर दो। लगता है उन्होंने दोबारा अटैक किया हम पर। शूट करने वालों को बहुत ध्यान से काम करना होगा। पहले किसी एक को निशाना बनाकर उसी को टारगेट करें, यही समझ लो, तभी काम आसान हो जाएगा। यही बात हवाई जहाज वालों को समझा दो, किसी एक को ही टारगेट करके गोलियां चलाएं, पहले उसका खात्मा करके फिर दूसरे को टारगेट करें। ठीक है एडमिरल। इससे ज्यादा इंतजार करना नामुमकिन है, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग एडजस्ट होके निकलते हैं, मेरे साथ कौन कौन आएगा? हम लोग अकेले जाके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विंसेंट, इक्विपमेंट आने तक समय बर्बाद हो रहा है और उनको देखो वो हमला करते ही जा रहे हैं। तुम लोग साथ चलोगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं आओगे तो भी गुस्सा नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, ये धमकी दी है मुझे। मेरे साथ जो भी होगा वो सबके साथ भी हो सकता है, याद रखना। तुम बिल्कुल 100% कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। सब लोग मिलके काम करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी। तो फिर देर किस बात की है? हुया! हुया! सर्जेंट ओलिवर, कहिए क्या कहना चाहती हैं? आप जो कर रहे हैं वो ठीक लगता है आपको? मेरी बात सुनिए, जिंदगी बचाना ही मुझे काम सौंपा गया है, उसका हशर क्या होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे अपने काम से प्यार है और मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जब मैं इतना कुछ करता हूं तो क्या मैं अपने देश के प्रेसिडेंट को बचाने में कॉम्प्रोमाइज करूंगा? उनकी जान बचाना ही मेरा लक्ष्य है, चाहे कोई भी परिणाम हो मैं फेस करूंगा। प्रोमिथी सबमरीन लॉन्च के लिए तैयार है। ओके रिवा, वो कोऑर्डिनेट्स रेडी करो। बिल्कुल रेडी है सर। सोनार की क्या पोजीशन है? वो भी रेडी है सर। ओके, कैप्टन विलियम्स और आप? सब कुछ रेडी है चीफ। ठीक है, निकलते हैं, तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं। सुनिए फ्रेंड्स, हम ऊपर से ये सबमरीन इफेक्ट होने जैसे, इस समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं। मेरी मदद लीजिए प्लीज, क्योंकि समुद्र के बीच में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, राइट?
इतना भाषण दिया तो मना करेंगे क्या? रेडी हो कैप्टन? ऑर्डर्स के लिए वेट कर रहे हैं चीफ। तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? मैंने भी सुना है एडमिरल। वो कुछ कहना चाहता है हमसे। एक को चोट लगी है इसलिए सब मिलके हमसे बदला लेना चाहते हैं। बाकी सब समझा रहे हैं। नजारा बहुत अजीब सा है। सीपीओ विंसेंट, सबमरीन भेजने के लिए हमने मदद मांगी थी, क्या हुआ उसका? वो सामने आ रहे हैं, मैं फिर से कांटेक्ट करता हूँ। औजारों से भरा एयरक्राफ्ट तुरंत भेजिए, जल्दी। अभी जाता हूँ। आप सुन रहे हैं ना, औजारों से भरा एयरक्राफ्ट। सब लोग पीछे हो जाओ। और भी ऑर्डर चाहिए क्या? लेट्स गो। एडमिरल, एडमिरल, अभी अभी एक फाइटर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसी में सहायता की सामग्री थी। ओह माय गॉड। हाँ एडमिरल। सर, सबमरीन लॉन्च हो रहा है। प्रोमीथियस लॉन्च हो रहा है। आई रिपीट, प्रोमीथियस लॉन्च हो रहा है। पर तुमने सबमरीन को लॉन्च क्यों किया? लेफ्टिनेंट कमांडर बॉकले ने ऑर्डर दिया है। एडमिरल, एडमिरल, प्रमिति सबमरीन अभी अभी लॉन्च हो गया है। ओके, हमने सुन लिया। प्रमिति सबमरीन अभी लॉन्च हो चुका है। उन लोगों से मुझे बात करनी है। कनेक्ट करती हूँ एडमिरल। प्रमिथियस, ये यूएसएस निमेसिस है। आई रिपीट, ये यूएसएस निमेसिस है। कृपया करके बात कीजिए। उनको मैं क्या जवाब दूँ? कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, मत बताओ उन्हें। हम आप ही से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। एडमिरल पूछ रही है, जवाब दीजिए। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। चीफ ओलिवर, मुझे किसी भी तरह से जवाब चाहिए। मेरा हुक्म है कि सबमरीन को लेकर वापस आ जाओ। वाओ, दिलेर हो। हे, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे भी यही लगता है। हाँ ठीक ही तो है, हम कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं। सर झुकाने की जरूरत नहीं है, चलकर प्रेसिडेंट को बचाते हैं। चलो चल के प्रेसिडेंट को बचाते हैं। डॉक्टर जिमा, अपने होश और हवास में दिमाग लगाकर किसने अटैक किया ये पता लगा सकते हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल लगाता हूँ। आपके और एडमिरल के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, पता चला है मुझे। वैसे तुमने अच्छा पता कर लिया है। वैसे आप दोनों के बीच में क्या समस्या है? क्योंकि मैं दोनों के लिए काम कर रही हूँ, इसलिए वो समस्या मुझे पता लगे तो अच्छा है। ठीक है, बताता हूँ। 3 साल पहले की बात है, ऐसे ही ऑपरेशन में वो मेरी कमांडर इन चीफ थी। अफगानिस्तान में टेररिस्टों से निपटने का हमें काम सौंपा गया था। शुरू से ही मैं रिस्क लेता हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं टीम के साथ पूरे मुकाम तक पहुँच चुका था, तब उन्होंने हमें वापस लौटने का ऑर्डर दिया था। हमने कहा था कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। हमारे रेडियो कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए थे, शत्रुओं को हमारी वीकनेस का पता चल गया, मेरे कुछ साथी मारे भी गए, उसमें मेरे एक दोस्त भी था। लास्ट मिनट में अगर उन्होंने हमें कन्फ्यूज नहीं किया होता तो हम विजय होकर वापस लौटते।
उस मिशन में उनका नाम बहुत अच्छा आया, लेकिन मेरा पायलट, मेरी टीम, मेरा दोस्त सब जिंदा होते। उसका मुझे बहुत दुख है। I'm sorry, Chief. It's all right. एक जान जाती है तो सच में दिल में दर्द होता है। But मतलब? उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उनके ऑर्डर्स का आपने उल्लंघन किया। अगर आपने उनकी बात मानी होती तो आपका टीममेट भी आपके साथ बच गया होता। हमने जितने भी त्याग किए हैं वो तुम्हारी समझ के बाहर है। सर, हमारे सबमरीन के पास कोई बड़ा सहारा है। सर, सर बहुत तेज आ रहा है, एक घंटे में 30 नॉट्स की रफ्तार से। ओके, फुल स्पीड बढ़ाओ। ओके, फुल स्पीड। अगले को होश आ गया है, कोई आके इन्हें संभालो प्लीज। जल्दी आओ, कोई कोई मदद के लिए जल्दी आओ। ठीक है, कोई जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। वो सबमरीन को काबू में कर रही है। जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ो, संभल के, संभल के। हाँ, संभल के। कंट्रोल जा रहे हैं हाथ से। सब संभल जाओ, कुछ ना कुछ कीजिए। टीचर, सारे स्विचेस ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया मैंने। कोई आग बुझाओ। हाँ, मैं बुझा रहा हूँ आपको। मैं आ रही हूँ, कोई घबराए नहीं। पावर कट कीजिए प्लीज। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ ना, कट कीजिए प्लीज। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। हाँ, मुझे विश्वास से कह सकती हो? मैं कह रही हूँ कट कीजिए। पावर कट करो। ठीक है, पावर पूरी तरह कट कर दिया। पावर ऑफ हो गया। बहुत अच्छा आइडिया था। सर, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। 5 मिनट तक कुछ मत करना, रास्ते में ऐसा बहुत परेशानी आएंगी। प्रेसिडेंट का पता लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। इस रास्ते के द्वारा ही हम वहां पहुंचेंगे। एक बार इसका कंट्रोल मेरे हाथ में दीजिए तो सबको मैं बचा के ले जाऊंगी। अभी इस वक्त इसका पावर ऑन ऑफ करने जैसा सेट करती हूँ, बाकी करंट संभाल लेगा। ओके, बाकलों को होश आ गया है। सुनो, बिल्कुल मत घबराओ तुम, संभल के, थोड़ा संभल के। रिवाज, आराम से। प्रेसिडेंट का जो पॉड है उसका कोड बताओगे मुझे? बिल्कुल बताती हूँ मैम। वेल, उस पॉड तक पहुँचने के लिए इस सबमरीन का प्रोग्राम फीड किया है मैंने। बिना किसी मुसीबत के हम वहाँ पहुँच जाएंगे। गलती होने के चांसेस 1% से भी कम है। इतनी आसानी से तुमने कैसे कर दिया प्रमा? वो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती रहती है उसे फॉलो करना पड़ता है। समुद्र के वातावरण के हिसाब से कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। टेम्परेचर, लहरें, समुद्र का किनारा, इन सब का अनुमान लगाना पड़ता है। वैसे मैं तुम सबको एक सजेशन देती हूँ, किसी ना किसी को जोर से पकड़िए क्योंकि ये बहुत तेज चलता है। ये तो बहुत बहुत आश्चर्य लग रहा है मुझे। इनको गलती से मैंने रेप्टी या पेप्टिया समझा था, या साधारण ट्यूब बम समझा था, लेकिन इनके साइज से वो बिल्कुल लगते नहीं है। बहुत अजीब है, असाधारण है। ये करीब करीब 30 मीटर समुद्री तह से ऊपर है ये समुद्री शैतान। ये समुद्र के अंदर कितने गहराई में होंगे मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने जिंदगी में इतने विचित्र शैतान कभी नहीं देखे। ये इतिहास में सबसे विचित्र शैतान है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसकी लंबाई करीबन 7,000 फीट होगी। ए डॉक्टर, संभल के, पीछे भी देखो। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ,
बचाओ। डॉक्टर को बचाओ, उसका खात्मा करो। जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं मारता हूँ उसे। बचाओ मुझे। थैंक यू। डॉक्टर ज़िमा, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ मर के जीवित हूँ। वो कौन सी जाति का जीव आपने पूछा था ना, उसकी जांच करने के लिए एक नमूना मिला है। आप जरा जल्दी लैब में आ जाइए। ओके। इसको ध्यान से देखिए। मतलब जिसने अटैक किया है उसका छोटा भाग है ये? इसकी जात क्या है, बता सकते हैं? विविध शक्तियों से मिला हुआ ये। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक वायर इसके ऊपर लगाया, विद्युत शक्ति पैदा हो रही है। देखने में तो ये नस नजर आ रहे हैं, लेकिन इन अद्भुत नसों के मिलन से एक रोबो को वायर किया हुआ लग रहा है। अगर विस्तार से बताऊं तो इसमें जान है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। थोड़ी देर पहले जब मैं इन पे वायर लगा रहा था तो विद्युत शक्ति पैदा हुई थी ना, वो इसके अंदर की शक्ति बिल्कुल नहीं है। वो कहीं से एक अंदरूनी शक्ति बनाकर इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे इस भूमि पर हम जो देख रहे हैं, विद्युत पैदा करने वाली शक्ति इसके पास कहीं पर भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। यहाँ और भूमि से आपका मतलब क्या है? ये अंतरिक्ष या समुद्र के भूभाग से निकला हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपने कुछ रेप्टिया टाइप रेप्टिया पैटपिचिया हाँ वैसे ही कुछ कहा था, मुझे याद है। हाँ मैंने कहा था, मैं मानता हूँ ना इस बात को, लेकिन ये उस प्रकार का कुछ नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसका डीएनए और इसका डीएनए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसके अंदर तो जान बिल्कुल ही नहीं है। यंत्रों और लोहों को मिलाकर बनाया गया है ऐसा मेरा विज्ञान कहता है एडमिरल। और तो और दुनिया में इतना एनर्जी बनाने वाला और कोई नहीं है। मतलब इसका बेस भूमि के अंदर है ऐसा आपको लगता है? ये मेरा केवल अनुमान ही नहीं, 100% सच है ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कैप्टन फिलिप्स, एडमिरल, समुद्र के अंदर जाकर ये चीज क्या है ये पता लगाने के लिए टीम को अरेंज कीजिए। ठीक है एडमिरल। इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स ज़िमर। सर धीरे धीरे पानी का हिस्सा खत्म होता जा रहा है, हम शायद ऊपरी तह तक पहुंच जाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? मैं सच बोल रहा हूं सर, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। आपके इक्विपमेंट में डायग्नोसिस रन हो रहे हैं ना? रन हो रहे हैं मैडम, सब ठीक रन हो रहे हैं। चीफ, लगता है प्रेसिडेंट के पॉज के नजदीक पहुंच गए हैं, ऐसे मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं। ऐसा है तो पीछे जो अटैक हुआ उससे मशीन खराब हो गई होगी। समुद्र के बीच में एक छोटी सी गुफा है, उसके पास जा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए सिग्नल्स वैसी आ रही हैं। वहाँ पे कोई भूभाग भी होगा। सर जरा इधर देखना। सबमरीन को ऊपर ले चलो। ठीक है चीफ। ये क्या कुछ अजीब सा है? फ्रीक्वेंसीज बदल गए हैं और अब प्रेशर भी 1.03 एटमॉस्फेयर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम समुद्र के 7000 किलोमीटर नीचे हैं। चाहो तो तुम आके देख सकती हो। मुझे लगता है इसमें गलत दिखाया जा रहा है, हमारे सबमरीन में कोई और कंट्रोल कर रहा है ऐसा लग रहा है। मैं प्रमिति सबमरीन से बात कर रहा हूँ। एडमिरल से मुझे बात करनी है। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं एडमिरल ही बोल रही हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए। इस वक्त तुम किस लोकेशन में हो ये बताओ चीफ ओलिवर। हम यहाँ समुद्र के निचले भाग में एक गुफा के पास आ गए हैं। यहाँ पानी की कितनी गहराई है किसी को पता नहीं, मगर हमारे मॉनिटर से पता चलता है कि प्रेसिडेंट का पॉड आसपास ही कहीं है ऐसा नजर आता है एडमिरल। वो तो ठीक है। लेफ्टिनेंट प्लमर आप लोगों के साथ है? हमारे साथ ही है मैम। चीफ ओलिवर, मेरे मना करने के बावजूद तुम निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट का पता लगाना ही हमारा लक्ष्य है। ओके एडमिरल। ओवर एंड आउट।
उसका गुस्सा देख के लगा था कि वो तुम्हें चबा के खा जाएगी। अभी ये परिस्थिति ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पाई। ऑक्सीजन खत्म होने के लिए सिर्फ एक घंटा ही बाकी है। अगर उससे पहले हमने प्रेसिडेंट का पता न लगाया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। एडमिरल, कोई प्रॉब्लम आई है क्या? किस लिए चिंतित हैं आप? वो देखो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो! पीछे जाओ, पीछे जाओ, हटो, पीछे जाओ। जल्दी पीछे हटो, हटो, अरे उसको लग गया, भागो, जल्दी भागो, पीछे हटो, ओके, और पीछे हटो। मैंने पता लगा लिया है, 2 किलोमीटर दूरी पर वो पॉट है। सब लोग सुन रहे हो ना? सुना मैंने। अल्फ्रेड, बाहर जो विजुअल्स है वो दिखा सकते हो? बिल्कुल चीफ। बाप रे, इसकी तो क्या है ये? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय गॉड, इसके ऊपरी और साइड के भाग बहुत अजीब हैं। ये कोई आर्टिफिशियल सुरंग लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें जान नहीं है, इसलिए डेफिनेटली इंसान ने नहीं बनाया है ये। इसको करंट में मिला है, एलियंस का काम हो सकता है ये। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कोई ना कोई शक्ति है जो यहाँ के वातावरण को कंट्रोल कर रही है। ओह माय गॉड, लगता है ये तो एरोप्लेन का शमशान बन गया है। इसका मतलब हमारे से पहले बहुत से लोग आ चुके हैं। यहाँ कोई जीवित बचा होगा क्या? चलो देखते हैं। वो देखिए, वहां जो लाइट जल रही है वही प्रेसिडेंट का पॉट होगा। कह नहीं सकते, हो भी सकता है। तो फिर उसको करंट कहां से मिल रहा होगा? मेरा अनुमान सही हो सकता है। देर मत करो, वहां चलें। चलेंगे, लेकिन सब लोग होशियार रहना, ये मेरा हुक्म है। हाँ, अगर सच में कहा जाए तो ये अद्भुत अनुभव है। इस भूमि पर बिगर जीव जंतु का ये पहला प्रदेश हो सकता है। जो जानती हूँ वही कह रही हूँ। ये सब बात करने का इस समय वक्त नहीं है। हम दूसरे काम के लिए आए हैं, मैं नहीं भूल सकती। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं। रिवास, उन सिग्नल्स में कोई चेंज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है चीफ। जरूरत पड़े तो और फौज मंगवाइए। एरोप्लेन वालों को कहिए कि सावधान रहें। आओ, अभी आओ, जल्दी आइए। हेलो, यस एडमिरल जी, बोल रही हूँ। चेयरमैन, हाँ बोलिए ना। वैसे यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। चीफ ऑलिवर और उसकी टीम सबमरीन से गए हैं। मैंने अभी अभी उनसे बात भी की है। वो समुद्र की गहराई के भूभाग तक पहुंच गए हैं। यस, इसके अलावा जिससे प्रेसिडेंट एस्केप हुए थे उसका भी पता चल गया है। वो प्रेसिडेंट को पता लगाने के काम में लगे हैं। ओके। प्रेसिडेंट कैसे हैं? कुछ पता चला गया? अभी तक नहीं। यहाँ तो मुझे नर्क जैसा लग रहा है। अगर हम होशियार न रहे तो खत्म हो जाएंगे। वेरी गुड, तो हम अपने मकसद में पहुंच ही गए हैं। ओके टीम, सब तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। बाहर कैसे जीव जंतु होंगे हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है कैप्टन बाकले,
हम जब तक वापस नहीं आते तब तक होशियार रहना। इंतजार करता रहूंगा। विजय होके लौटिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लेट्स गो। इस शिप और एरोप्लेन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है ये कोई बरमुडा टेंटिकल्स है। इस द्वीप को करंट के लिए यहाँ मंगवाया गया होगा। जरा वो शिप को देखो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। यही है यूएसएस साइक्लोड्स, वही हो सकता है। यूएसएस साइक्लोड का मतलब? कोयले को भेजने वाला कार्गो शिप। 1918 मार्च 4 को 306 आदमियों के साथ ये शिप गायब हो गया। इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। इसका मतलब ये यहाँ फंस गया है। सही तौर पे कह सकती हो? मैं बिल्कुल जानती हूँ। इसकी फोटो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, शायद 100 बार देख लिए। मैंने जो नरक कहा उसका मतलब बिल्कुल ठीक निकल रहा है। प्रेसिडेंट के पॉट से मुझे सिग्नल मिल रहा है, उस तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग जाएंगे। प्रेसिडेंट को जो ऑक्सीजन लगाया उसे खत्म होने में 29 मिनट बाकी हैं। कोई किस तरह भी जाए रेडियो के द्वारा टच में रहें। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक काम करो होंडो, तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। चलो अब हम निकलते हैं। कैप्टन फिलिप्स, सहायता की टीम अभी तक पहुंची नहीं, इस वक्त कहाँ है ये पता लगाओ। एक एडमिरल, यूएसएस मैन, यूएसएस नमिसेस से बात कर रहे हैं, आप इस वक्त कहाँ हैं बताइए। हम लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहाँ तक पहुँचने में 80 मिनट लगेंगे। आई रिपीट, वहाँ तक पहुँचने में 80 मिनट लगेंगे। बेकार लोग। यहाँ से तुरंत निकल जाना ही बेहतर होगा। चीफ, जरा उधर देखना आप। मैंने देखा है होंडो, सब अजीब सा लग रहा है।
हमारी तरफ आ रहा है, संभल कर रहिए। रेवस, क्या हो गया? कहाँ हो तुम? चीफ, उसका ट्रैकिंग डिवाइस ही बचा हुआ है, वो नहीं है। चीफ, वैसा ही एक और है यहाँ पे। रेवस कहाँ है? तुमने क्या देखा जो शूट किया? हमने पानी में जैसा देखा था वैसा ही है ये। जान ले रहा है सबकी। मैंने तुमसे कहा था कि संभल के रहो। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। जो होना था हो गया। प्रेसिडेंट साहब कहाँ है पता करना होगा। सब अलग अलग जाओ, जैसे ही पता लगे मैसेज भेजना। चीफ, मुझे पता चल गया, पता चल गया। प्रेसिडेंट का पॉड कहाँ है पता चल गया। यहाँ से 30 कदम की दूरी पर है। वेरी गुड प्रीच। मेरी बात सुनो, देर किए बिना प्रेसिडेंट साहब को सबमरीन में ले जाना है। कोशिश करेंगे चीफ। उनकी पल्स चेक करो प्लीज। उनकी पल्स चेक की है, बिल्कुल ठीक है वो। उनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। ये मास्क तुरंत उन्हें पहनाइए। वो कुछ अलग सा लग रहा है। जल्दी जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, पूरा खत्म हो गया है। आप कैसे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? आइए मैं आपको उठा लेता हूँ, हाथ तक चलते हैं। जल्दी करो, समय कम है। आइए इस तरफ मिस्टर प्रेसिडेंट। जल्दी जल्दी आओ। होंडो, यहाँ क्या हो रहा? अब हमें निकलना चाहिए। उनको हमारा पता चल गया है। जल्दी चलो। मैं सब कहां पर हूं? मिस्टर प्रेसिडेंट, समुद्र के गहराई में 7,000 किलोमीटर नीचे हैं। मैं चीफ ओलिवर हूं। मैं और मेरी टीम आपको बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन में यहां आए हैं। थैंक यू सो मच। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। आप ठीक हैं? चल सकते हैं ना? नो प्रॉब्लम, मैं चल सकता हूँ। ठीक है, मुझे फॉलो कीजिए सर। हाँ हाँ, चलते हैं। इस प्रदेश का कोई नाम तो होगा। ये एक रहस्य द्वीप लग रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट। मुझे लग रहा है ये एलियंस द्वारा बनाया गया है। इस प्रदेश का एलियन से संबंध है ऐसा बोल रही है। इसका कोई सबूत या फिर कोई आधार ऐसा कुछ है क्या आपके पास? जीव जंतु के बिना इस अद्भुत प्रदेश में सब कुछ अजीब हो रहा है, यही उत्तर है। ऐसा क्या? और कहा जाए तो ये प्रदेश और चीजों को भी आकर्षित करता है। यहाँ बहुत देर रुकना ठीक नहीं है सर। जल्दी से जल्दी हमें सबमरीन पहुँचना है। चलिए सर। ओलिवर, उन सबको यहाँ बुलाना ठीक रहेगा क्या? मैं होती तो नहीं करती, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसका और समुद्री शैतान का अगर कोई संबंध है तो हमें उनका काम तमाम करना होगा। समुद्री शैतान क्या? अब हम क्या करें चीफ? सुनो, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमें उनसे कैसे भी बच के निकलना होगा।
प्रीचर तुम दाहिने तरफ से अटैक करो। विलियम्स तुम सेंटर पोजीशन ले लो, मैं इधर संभाल लूंगा। ठीक है, सब लोग संभल के अटैक करो। चलो आओ, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। चलो चलो फटाफट, चलो चलो चलो, जल्दी आओ, तुम भी आओ, जल्दी सब लोग आगे चलो, मैं संभालता हूँ यहाँ पे, जल्दी जाओ, बिना रुके चलते रहो, चलते रहो। वो आ रहे हैं, चलो चलो। प्रीचर को क्या हुआ? प्रीचर क्यों नहीं आया? अब वो कभी वापस नहीं आएगा। हमारा यहाँ से निकलना ही हमारे लिए बेहतर है। यस चीफ, तुम्हारे आने से पहले ही मैं तैयार हो गया था, हमें तुरंत निकलना होगा। हाँ सुनाई दिया, सब लोग तैयार हो जाओ। कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। चीफ मैं दूसरी मशीन ऑन करता हूँ, तुम इसे हैंडल करो। कौन सा ऑन करना है पहले? मेन बैलेस्ट। ओके, मेन बैलेस्ट ऑन किया है। ऑक्सिलरी पंप डाउन हो गया है। हे, अब क्या करें हम? बस उसको जोर से पकड़ के बैठो। प्लंबर जरा इधर आओगे? अभी आ रही हूँ कमांडर। उन वायर्स को संभालना मुझे आता है। Come on guys, जल्दी। इस ब्लू तार को और पकड़िए। ओके। अब मैं रिवर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, फुल स्पीड। ओके, जल्दी कीजिए, करेक्ट करो, तैयार हो जाओ, जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। एक और बार करेक्ट करो। हो गया, सब ठीक है। वो हमारे चारों तरफ घूम रहे, जल्दी करो। 2-1 go। ओके, ओवर आ गया। ऑलराइट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बहुत अच्छी तरह मैनेज किया कमांडो। थैंक यू चीफ। लेफ्टिनेंट कमांडर, शायद इससे पहले हम नहीं मिले हैं। हाँ, मैं सबमरीन कमांडर ज्यूक बाकले, मिस्टर प्रेसिडेंट। आपने हमारी मदद की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं सर, ये मेरा कर्तव्य है। ऑलिवर सर, तुमने और तुम्हारी टीम ने जो त्याग किया उससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम और तुम्हारी टीम की सहायता को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट। अभी भी हम खतरे में हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। ऑलराइट, वो आ रहा है दोबारा, जोर से पकड़ो। कम ऑन, लगता है वो हमें रोक रहा है। क्या हुआ? बाहर जिसने हमारे साथियों को परेशान किया वही फिर से तंग कर रहे हैं क्या? नहीं, ये एक सुरंग है मिस्टर प्रेसिडेंट, इसी के द्वारा हम यहाँ पहुँचे हैं। जोर से पकड़िए सर। हमारे लिए शक्ति कम पड़ रही है। हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं? Exactly 30 knots सर। Come on, come on, come on! शक्ति कम है, थोड़ी और शक्ति को बढ़ाओ। मैंने अपना पूरा दम लगा दिया है सर। अभी भी कम पड़ रहा है। मैं currently cross में 45 degree स्पीड में जा रहा हूँ सर। Come on चीफ, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मैं 90 डिग्री से बदल रहा हूँ, सब जोर से पकड़े। हाँ। हाँ।
हुया। आपने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया, वेरी गुड जॉब। वो क्या है? इसका मतलब इतनी देर हम इसके अंदर थे? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। ओह माय गॉड, अब कुछ अनर्थ होने वाला है। वो हमारी तरफ ही आ रहा है। जोर से पकड़िए, हमें और तेज चलना होगा। बैलेंस रिलीज। ठीक है ना? और तेज चलो प्लीज। और भी वो नजदीक आ गया है। संभल के। बचाओ जरा। ये सबमरीन इससे और तेज नहीं जा सकता, लगता ये रुक जाएगा। कुछ और का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम? जितना हो सकता है कोशिश करके देखते हैं। कम ऑन चीफ, जोर से पकड़ो, उसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। प्रेशर लेवल कितना है? पूरा 70% है सर। इससे ज्यादा हम इसको प्रेशर नहीं दे सकते। वो हमें लपेटने की कोशिश में है, अगर हम धीरे से गए तो हम फंस जाएंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर भागले, इस अमेरिकन को पावर देने वाली फोर्स क्या है? सिल्वर, सिंह, बैटरी, वही ना? आप ठीक कह रहे हैं प्रेसिडेंट। साधारणता जब हम उसे पावर देते हैं, बढ़कर देंगे, तो उसे नियंत्रित करने वाला लीवर ओपन होकर उसे ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, राइट? तब हमारा सबमरीन और तेजी से जाएगा, समझ गए ना? हाँ प्रेसिडेंट, प्रेशर ज्यादा भी हो हमें जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रिक बैटरीज को हमें कट करना पड़ेगा। अगर वैसा कहता तो हम फंस जाएंगे यहीं पर। कुछ और सोचते हैं। ओलिवर सर, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? मुझे रिस्क लेने में बहुत अच्छा लगता है सर, इधर ही उधर तय कर लेंगे। मैं चीफ ओलिवर के साथ हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट, हम जरूर कामयाब होंगे। तुम क्या कहते हो बागले? यस सर। तो चलो इसको स्टडी करके पकड़ो। ठीक है, प्रेशर लेवल कहीं कम ना हो जाए ख्याल रखना। ओके, सब कुछ समझ गए कमांडर, अब मैं रेगुलेटर को सेट करती हूँ। रेडी हो गया, बैटरीज में जो प्रेशर था वो मशीन पे आ जाए। ये तो होना ही था, चलो जल्दी चलो। ओके सर। वो बहुत नजदीक आ गया है। सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाओ, बगैर हिले हुए। प्लमर। यस सर। बैटरी कितनी चार्ज हो रही है मुझे बता दे रहे ना? यस सर, लगभग 70% हो गया है सर। वो नजदीक आ गया है, अब 80 हो गया, 90 भी हो गया है। वेट मत करो। 3, 2, 1, अब 100% चार्ज हो गया है। जल्दी जाओ। एडमिरल, सबमरीन यहाँ पहुँच गया है। वेरी गुड, एक काम हो गया। प्रेसिडेंट को यहाँ से रवाना करने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार कीजिए। लेफ्टिनेंट प्लमर और चीफ ओलिवर से मुझे तुरंत मिलना है। ठीक है एडमिरल। जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को यहाँ भेजिए। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाओगी। मिस्टर प्रेसिडेंट, वेलकम टू आवर शिप। कैप्टन, यहाँ क्या हो रहा है मुझे विस्तार से बताओगे? आप मुझे फॉलो कीजिए सर। ठीक है, संभल के आइए। आपको यहाँ से भेजने के इंतजाम कर रहे हैं, एडमिरल साहिबा ने बताया। अब हम उनके पास ही जा रहे हैं। ऊपरी भाग पूरी तरह से खराब हो गया है, इसलिए हम लोग यही अंदर हैं। आपको तुरंत यहाँ से भेजने का ऑर्डर भी दे दिया है। उस बात को छोड़ो, अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मुझे एडमिरल के पास लेके जाओ। ओके मिस्टर प्रेसिडेंट। आप सुरक्षित वापस आ गए, बहुत खुशी हुई मिस्टर प्रेसिडेंट। आपका यहाँ से निकलने के लिए भी इंतजाम किया है। एडमिरल, हमारी बात छोड़िए, आपके पास कोई स्पेशल सबमरीन हो तो हमें शीघ्र बताइए आप। वैसे हमने एक और सबमरीन भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, समझे?
सुनो लेफ्टिनेंट प्लमर और चीफ ऑलिवर, हमने समुद्र की गहराई में अद्भुत शैतान के कारनामों को देखा, उससे एडमिरल को विस्तार से बताओ तुम। और दूसरी बात यह है कि मुझे वाशिंगटन तुरंत बात करनी है, उसके इंतजाम कराओ। सर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सुरक्षित यहाँ से भेजना है। मैं कह चुका कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कितनी बार कहूँ, हम दोनों ने एक ही समय शपथ ग्रहण की थी, क्या तुम्हें वो याद है? बिल्कुल याद है सर, लेकिन आपको भेजना ही मेरा कर्तव्य है। मैं कितना जिद्दी हूँ और अपनी बात मनवा के रहता हूँ। एक मुसीबत आन पड़ी है और हम सब खतरे में हैं और तुम मुझे भागने के लिए कहती हो? मैं भागने वाला प्रेसिडेंट नहीं हूँ। फर्स्ट सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ ही रहूं। यस सर। इतिहास में पहली बार हमारे देश पर मुसीबत आई है, बाहरी शैतानों ने आक्रमण बोल दिया और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठे, बोलिए जवाब दीजिए। उस मुसीबत से इस देश को बचाना मेरा फर्ज है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके लिए फोन है। थैंक यू। हाँ मैं प्रेसिडेंट ही बोल रहा हूँ। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसकी मैंने तुम्हें पहले वार्निंग दी है। समय अच्छा है, इसलिए जीवित लौटियो। थैंक्स एडमिरल। एक मिनट एडमिरल, ऊपर जो नजर आ रहा है समुद्री शैतान की पूंछें समुद्र के नीचे भाग से आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर जिमर ने भी इसी तरह की ओपिनियन दी है। अब आपको संदेह क्यों हो रहा है? वहाँ उसने द्वीप जैसा बना के और वहाँ बड़े बड़े शिप और एरोप्लेन्स को बर्बाद करके उनके द्वारा करंट और मैग्नेटिक शक्ति प्राप्त करके उनको न्यूक्लियर में बदलती है। उस शक्ति से ही वो हम पर अटैक कर रहे हैं। जब जब वो हमारे पर अटैक करते हैं हमें देखना है कि कितनी एनर्जी पैदा होती है। इतना ही नहीं, दोबारा कितनी देर में वो हम पे अटैक करते हैं ये भी देखना है, तब जाकर ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे, समझी तुम? मतलब उसकी एनर्जी पैदा करने से पहले उस पे हमें अटैक करना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मैं तब तक लैब जाके आता हूँ। आप लोगों ने कोई प्लान बनाया क्या? जी हाँ सर, ऊपर से एरोप्लेन और चारों तरफ से पूरी फौज को उतार कर हम उस पर अटैक करेंगे उसके एनर्जी पैदा करने से पहले, यही हमारा प्लान है। बहुत अच्छा। इस प्लान के बारे में तुम क्या कहोगी प्लमा? प्लान को एक तरफ रखते हुए, वो समुद्र में कई सालों से रह रहा है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ आप सबको। वो अपनी शक्ति से उस द्वीप को नियंत्रण ही नहीं कर रही, बल्कि शिप्स और एरोप्लेन्स पर अटैक करके वो उनकी यंत्र ही नहीं ईंधन को भी इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए। इसीलिए मुझे लगता है जो हमने निर्णय लिया है वो बिल्कुल ठीक है। उसके लिए जो भी चाहिए हम उसका इंतजाम करेंगे। संभल के। क्या? क्या हुआ? कुछ हुआ है एडमिरल? आइए देखिए समुद्र के बीचों बीच क्या हो रहा है। ठीक कह रहा है, हमें ही पहले अटैक करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी करो तुम लोग। ध्यान से सुनो, सब विभागों के लोग ध्यान से सुनो, तुरंत सब मिलकर उस पर अटैक करो। उस अटैक से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो जरूर दोबारा हम पर अटैक करेगा। उससे पहले हमें प्रेसिडेंट साहब को बचाना होगा। चलो 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 चलो। मेरी बात सुनिए मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी हमें क्या करना होगा आप ये आदेश दीजिए। अच्छा ये बताओ स्पेशल रेस्क्यू टीम कितनी देर तक यहाँ पहुँचने वाली है? करीब 55 मिनट में सर। तो फिर न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता हूं मैं।
लिसन, तुरंत यूएसएस मेन को कांटेक्ट करो तुम। समुद्र के किनारे पहुंचकर परमाणु शक्तियों का अगर हम उपयोग करेंगे तो कितने लोगों की जानें जाएंगी और कितना नुकसान होगा, समझ रहे हैं ना प्रेसिडेंट? प्लीज डॉक्टर, लोगों की मौत हो जाएगी, हम सब भी मारे जाएंगे, कुछ हजारों एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी, कुछ नहीं उगाया जा सकता उस पर। मुझे भी वो सब मालूम है डॉक्टर, लेकिन अपने देश की जनता को बचाने का कर्तव्य मेरा भी है डॉक्टर। लेकिन जब युद्ध होने लगता है तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोगों की जानें चली जाती है और ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि कम से कम जान हानि का नुकसान हो, और यही इस वक्त मैं सोच रहा हूँ। लोगों के प्राण चले जाएंगे बोलकर यदि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा डॉक्टर। मैं जो भी सोचता हूँ देश की भलाई के लिए सोचता हूँ, आज ही समस्या का समाधान हो जाना चाहिए एडमिरल। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट। यूएसएस मेन, ये यूएसएस नेमेसिस है, आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना, बोलिए। न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट कीजिए। ठीक है मैडम, न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये फिर से अटैक कर सकता है हम पर। देखा आपने वो क्या है? यूएसएस जेनिसर, वो यूएसएस जेनिसर है सर, तबाह हो गया। पोजीशन क्या है और कितना टाइम लगेगा? जल्दी बताओ। उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है मैडम, पूरे 40 मिनट में वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा मैडम। परमाणु विस्फोट बहुत खतरनाक है, आप समुद्र में रहकर उसका उपयोग करेंगे तो उसका असर बहुत दूर तक होगा। ऐसा नहीं है डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ ना, लोगों की जानों से मत खेलिए प्रेसिडेंट, लाखों लोग मारे जाएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट। बोलिए ओलिवर। उसमें घुसकर उसके एनर्जी पॉइंट का अटैक करें तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से। तुम कहना क्या चाहते हो चीफ ओलिवर? इस लाइटिंग पैनल को हमने समुद्र के बीच भाग में देखा था, वही उसको पावर सप्लाई करता है। बिल्कुल चीफ। अगर हमने उसके मेन पार्ट पे अटैक किया तो उसकी सारी भुजाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। एक मिसाइल द्वारा इतनी बड़ी शक्ति पर अटैक करने से वो समुद्री शैतान बर्बाद हो जाएगा, ऐसा भरोसा नहीं। भरोसा करना ही जिंदगी है। उस जगह तुम मिसाइल के साथ कैसे पहुंचोगे मिस्टर ओलिवर? मैं हेलीकॉप्टर में वहां जाऊंगा, अपने साथ बाजूका भी लेके जाऊंगा, कैप्टन नॉर्वेन पायलट होंगे हमारे। टारगेट पे अटैक करना मेरी जिम्मेदारी है, इस अवसर को हमें नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट। ठीक है, आप क्या कहती हैं एडमिरल? मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, अगर देखा जाए तो ये मुमकिन है, लेकिन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर से उसके अंदर घुसने पर, उस निर्धारित समय के अंदर उस पर अटैक करें तो मुश्किल लगता है। ओलिवर, तुमको अपने काम पर भरोसा है? हमें है सर। बिल्कुल है सर। तुम्हारे पास 15 मिनट का समय है, समझ गए तुम? समझ गए मिस्टर प्रेसिडेंट। जल्दी निकलो यहाँ से। चीफ। क्या हुआ पलमा? गुड, आपने एक अच्छा निर्णय लिया। वापस आके दिल की बात खोलूंगा। ये स्टैंडर्ड 84 बसुका है, लेकिन इसमें एक चेंज है। वो क्या है कि नॉर्मल बसुका से इसके अंदर पावर ज्यादा होती है, ज्यादातर इसे वार में इस्तेमाल किया जाता है। इससे शूट करना कोई मुश्किल बात नहीं है सर, इससे आपको बहुत उपयोग होगा सर। ऑल द बेस्ट, जीत हमारी होगी। गुड लक चीफ। ओके थैंक्स कैप्टन।
मैंने आपको अपने साथ लिया इसलिए आप नाराज तो नहीं है। इस काम के लिए आप ही ठीक हो मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको सेलेक्ट किया। मुझे सेलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चीफ, मैं खुशी खुशी आपके साथ आऊंगा। थैंक यू कैप्टन।